नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। संदिग्ध या आकस्मिक मौत होने पर मौत का वास्तविक कारण, मौत का समय जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है, जिससे पुलिस को जांच में मदद मिलती है। लेकिन अगर उसी जगह मरने वाले की देह को लावारिस छोड़ दिया जाए या लापरवाही बरती जाए तो ये बात नाकाबिले माफी हो जाती है। कम अज कम मरने वाले के परिजन तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ ऐसी ही लापरवाही देखने को मिली सोनीपत के जिला अस्पताल में, जहां पोस्टमार्टम हाउस में रखे शव को चूहों ने कुतर दिया। कोई अपना जब दुनिया से चला जाता है तो उसे अंतिम विदाई देने तक उसके मृत देह के सम्मान और मान का पूरा ख्याल हम रखते हैं। उसकी देह को किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे और पूरे विधि विधान से उसकी अंतिम यात्रा पूरी हो, ये बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन मृत की देह के साथ किसी तरह की बदसलूक, की बेकदरी या लापरवाही बरती जाए तो ये बात बेहद पीड़ादायक होती है, साथ ही मानवीय मूल्यों पर भी सवाल उठा देती है। कुछ इसी तरह की पीड़ादायक तस्वीरें और सवाल निकलकर सामने आए हैं सोनीपत के जिला अस्पताल से, जहां पोस्टमार्टम हाउस में शव की बेकदरी हुई। यहां पोस्टमार्टम के लिए रखे गए शव के आंख और पैर के पास से चूहों ने उसे कुतर दिया। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में शामिल 70 वर्षीय बुजुर्ग राजेंद्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। शव को सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया, जहां हॉस्पिटल के शव गृह में मृतक राजेंद्र की आंख और पैर को चूहों ने कुतर दिया। गुरुवार सुबह जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो लापरवाही को देखकर हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। हालांकि मामले को बढ़ता देख मौके पर मौजूद सीएमओ और पीएमओ ने कार्रवाई का आश्वासन देकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से 3 सदस्य कमेटी बनाकर जांच की बात कही गई है। लेकिन ये घटना कई सवाल खड़े कर देती है, खासतौर पर उस वक्त जब मीडिया के दखल के बाद इस मामले में जांच कराए जाने की बात कही गई हो। आखिर बुधवार देर रात जिस किसान के संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है, बुधवार देर रात को जिस किसान के शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखा जाता है, कुछ ही घंटों के अंदर शव को चूहे कुतर देते हैं और किसी को कोई इस बारे में इल्म तक नहीं होता है। और गुरुवार को जब परिजन पहुंचते हैं तो इस बात को लेकर आग बगुला हो जाते हैं। इस मामले को शांत कराने के लिए क्या कहा अस्पताल प्रबंधन की ओर से, क्या कहा गया और पीड़ित परिजनों का क्या कहना था, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद इस मामले को लेकर जो सवाल हमने उठाए हैं उन पर डालेंगे एक नजर। रखी थी वहाँ से लेके तो भैया ना बिल्कुल डेड बॉडी ठीक थी, कहीं भी इतनी चोट का निशान कोई नहीं था। टाइम होगा 10:30 के करीब से जो भी था, ठीक है वो एक्चुअली याद नहीं, पर ना डेड बॉडी पे कोई निशान नहीं था। ठीक है, अब जो देखी है उस पर इतना तो पैर कटा हुआ है, अच्छा निशान है और आँख पूरा निशान दोनों तरफ। फ्रिज में नहीं रखी थी डेड बॉडी? फ्रिज में रखवा गए थे, दरवाजा बंद करके गए थे फ्रिज का। बॉडी रात को आई थी 10:40 पे, तो उसको जो हमारे क्लास पर होते हैं कैजुअल्टी में, उन्होंने रात को शिफ्ट किया था। तो हो सकता है ये बॉडी जो है इधर कोल्ड चैम्बर में रखी हुई थी, हो सकता है कि उसका कोई दरवाज़ा खुला रह गया हो और रोड एंड बाइक लगता है ऐसा। तो अभी 3 डॉक्टरों का जो पैनल है जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है, उनको बना के हमने पोस्टमार्टम करवाया। जिसकी भी लापरवाही होगी हम एक्शन लेंगे। तो परिजनों का कहना है कि कुछ ही घंटों के अंदर ये घटना जो है वो हो गई और प्रबंधन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन जो है वो कह रहा है कि मामले में जिस किसी की भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये लापरवाही हुई क्यों और कैसे हो गई, अस्पताल प्रबंधन इस और पहले क्या कोई एक्शन ले चुका है इस मामले में या अब क्या एक्शन वो लेने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो सवाल हमने इस मंच से उठाए हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सोनीपत जिला अस्पताल में शव के साथ बेकदरी का कौन जिम्मेदार, पोस्टमार्टम हाउस में शव को चूहों ने कैसे कुतरा, घटना अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही या संवेदनहीनता, जिला अस्पताल में शव की बेकदरी पर क्या है आपकी राय, पोस्टमार्टम हाउस की देखरेख व्यवस्था प्रबंधन किसका जिम्मा, सरकारी अस्पतालों में ही क्यों सामने आती है ऐसी लापरवाही, सबसे बड़ा सवाल ये। और इस मुद्दे को लेकर, इस लापरवाही
के किस्से को लेकर, मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है या आपका क्या सुझाव है, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे, नंबर नोट कर लीजिए और इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो, जो भी सुझाव हो, हाँ आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं और एक जुड़े हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी नेता हमारे साथ डीपी कौशिक जुड़े हैं और हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं अशोक शासन। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सवाल सबसे पहले जो हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हैं अशोक शासन, उनसे मैं करना चाहूंगी। अशोक जी, ये जो घटना सामने आई है, इस घटना को लेकर आप क्या मानते हैं? ये लापरवाही कहेंगे इसे या संवेदनहीनता कहें इसको? धन्यवाद जी। जी अशोक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज जी। अशोक जी, ये जो घटना सामने आई है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या ये गैर मामूली बात है या फिर मामूली बात है, इस तरह से हो जाना अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में, ये बात आपको कैसी लगती है? देखिए, मेरे हिसाब से तो बड़ी बेशर्मी वाली बात है। इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नोट ही नहीं करता कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। डीपी कौशिक जी, ये शर्मनाक घटना जिला अस्पताल सोनीपत में हुई और अस्पताल प्रबंधन अब कह रहा है कि वो एक्शन लेगा, लेकिन ये घटना कई सवाल खड़े करती है। यहाँ शव को रखे हुए अस्पताल में कुछ दिन नहीं गुजरे थे, हफ्ते नहीं गुजरे थे, कुछ ही घंटे गुजरे थे और कुछ ही घंटों के अंदर ये हाल हुआ। ये शव कोई लावारिस भी नहीं था, परिजन खुद छोड़ करके गए थे शव को। हेलो जी कौशिक जी। जी नमस्कार जी। देखिए, जो भी सोनीपत में घटना घटी है वास्तव में निंदनीय घटना है और प्रशासन ने आपको भी बताया मीडिया के माध्यम से कि जिसको भी एक्शन लिया जाएगा, जिसकी भी गलती वहां पर उसको सजा भी दी जाएगी। मेरा कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिएगा प्रशासन को। वहां के डॉक्टर हैं, उनको सब चीजें नॉलेज में होती है, देखना भी होता है उनको। एक चीज तो मानता हूँ, चलो डेड बॉडी पोस्टमार्टम रूम में चली जाती है, उसमें अगर थोड़ा सा कहीं कुछ भी हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत गलत हुआ है। कहना ये कि उनको अपना ध्यान देना चाहिए और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटे, इसके लिए प्रशासन को भी अलर्ट होना है, हॉस्पिटल जो बॉडी है उसको भी अपना जाँच के दायरे में लेकर कैसे क्या हुआ है, ये आगे ये ऐसी घटनाएं ना घटे, इस पर एक्शन लेना चाहिए। चलिए, इस बार हम आगे बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राज सिंह दिल्ली से जुड़े हैं। स्वागत है आपका राज जी, रखिए अपनी बात। हाँ जी जी सिंह जी। राज जी, अपने टीवी की आवाज को कम कर दें और अपनी बात रखें। हाँ जी, ये है ना, जो ये घटना जो हुई है चूहों ने नहीं खाई है। ये जो घटना हुई है चूहों ने नहीं खाई है, चूहे खा ही नहीं सकते मांस। तो आप क्या मानते हैं, क्या हुआ होगा, क्या हुआ है? ये चूहों ने नहीं खाई है, ये पॉलिसी की बात है। कोई भी किसी गरीब आदमी को ये चूहे तो हम तो मारे घर में दुनिया भर के चूहे आते हैं, घूस भी आती है, आज तक तो मुझे काटी नहीं मारी। अच्छा, तो आप मानते हैं कि ये चूहों का काम नहीं है, तो फिर किसका आप मानते हैं कि ये किसने किया शव के साथ? ये जो घटना घटित हुई, ये किसकी, इसके पीछे के कारण क्या आप मानते हैं? इस चीज को मैं नहीं मान सकता, मेरे घर में घूसी भी आती है, हमारे को तो काटा नहीं आज तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज जी हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। अशोक शासन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि ये बेहद शर्मनाक घटना है, एक पोस्टमार्टम हाउस में किस तरह के इंतजाम होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे बॉडी को वहां पर रखा जाता है, और अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो तो उन हालात में क्या आपको लगता है कि ये बात हो जाए और इस तरीके से कुछ ही घंटों के अंदर शव के साथ ऐसा घटित हो जाए? सबसे पहले तो भाई साहब को ये जवाब देना चाहता हूँ। हेलो जी, जी हम सुन पा रहे हैं अशोक जी।
सबसे पहले मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ कि एक डेड बॉडी और लिव बॉडी में बहुत फर्क होता है। तो जो डेड बॉडी पड़ी है उसको तो चूहे काटते रहे, उसको क्या पता है, हमें अगर चूहे काटते हैं तो हम एकदम खड़े हो जाते हैं। तो ये इनका सवाल गलत है कि हमारे घर में भी चूहे, चूहे तो हमारे घर में भी है लेकिन चूहे किसी को काटते नहीं है। तो एक डेड बॉडी पड़ी है उसको काटेंगे वो, तो उसको मांस है, मांस तो चूहे खा जाएंगे। तो ये इनका सवाल गलत है, जवाब गलत है इनका। तो ये जो इतनी शर्मनाक घटना है इसके बारे में पूरा जो प्रशासन है वो लापरवाह है। हमारे होता ही यहाँ जब कहीं घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन जाग पड़ता है, पहले क्यों नहीं इसके बारे में इंतजाम देखते, क्यों नहीं सोचते इसके बारे में, कम से कम किसी ऑथराइज पर्सन को विजिट तो करना चाहिए पोस्टमार्टम। मैं भी रहा हूँ लेकिन पोस्टमार्टम में तो कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा आता ही नहीं है वहां पे देखने, वो तो फोर्थ स्टाफ बैठा हुआ है, डॉक्टर जाता है ड्यूटी पे पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम हॉस्पिटल डेड बॉडी रखी और आगे। तो ये तो रिस्पॉन्सिबल तो सारे ही है, तो आज तक विजिट ही नहीं किया किसी ने कि वहां चूहे हैं या नहीं, अगर है भी है तो उसका इंतजाम भी हुआ। और इसके लिए आप क्या मानते हैं नीचे से ऊपर तक किस किस की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए? चलिए सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। एक दर्शक जुड़े हैं, हरियाणा से जुड़े हैं। राजपाल स्वागत है आपका। राजपाल जी बताएं कहां से बात कर रहे हैं और रखिए अपनी बात। मैं अंबाला से बोल रहा हूं जी, और मैं इन्वेस्टिगेशन का एक अपने आप में घमंडी अफसर था। मैं जानता हूँ क्या हो सकता है पोस्टमार्टम से पहले क्या नहीं। ये जब डेड बॉडी रखी जाती है इसमें अगर आसपास चूहे हों और उनको आदत पड़ चुकी होती है कि डेड बॉडी को कुतरने की, तो वो कुतर सकते हैं, मांस खा सकते हैं। मैं कई बार मुंशी रहा, मेरे मालखाने से बुक्की खा जाते थे, शराब के जो प्लास्टिक की बोतल थी शराब की बोतलें पी जाते थे। तो मेरे संज्ञान के अनुसार जी, मेरी नौकरी के अनुसार जो मैंने अपना तजर्बा है, डेड बॉडी को चूहे कुतर सकते हैं जी। और ये आपका कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की बात जो है उनकी आदत में शुमार है, बहुत लंबे वक्त से वो ये करते आ रहे हैं, तो ये घटना जो है कुछ ही घंटों में हो जाना कोई बहुत बड़ी बात या हैरत अंगेज बात नहीं है। यानी कि ये चीज जो है वो लंबे वक्त से आप मानते हैं कि होती आ रही होगी पोस्टमार्टम हाउस में। मैं कैथल मुंशी था जी, वहां पे बुक्की और शराब बहुत ज्यादा थी जी, और मेरे चूहे इतने पागल थे जी के वो ड्रिंक करे बगैर और बुक्की खाए बगैर ऐसे चलते थे जैसे गिरगट रिंग रिंग के चलते, और जब वो उसका कर लेते थे और वो मतलब ये नहीं देखते थे कि मैं सो रहा हूँ तो मेरा मुट्ठा पे बुड़कमाना या उंगली काटना, मेरे साथ बीती हुई है ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और आप स्वयं भुक्तभोगी रहे हैं इस तरह की घटना के, और आपने कहा कि इस तरह की चीज़ें तभी होती हैं जब कोई जानवर जो है वो यूज टू हो जाए, आदि हो जाए उस तरह की बात को करने का। एक और दर्शक बल्लभगढ़ से संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। संजीव जी रखें अपनी बात। संजीव जी अपने टीवी की आवाज को कम कर दें और अपनी बात रखें। सुन रहे आज मेरी बात? जी जी हम सुन पा रहे हैं, कहिए। हाँ जी, हेलो। जी जी संजीव जी बोलिए। हाँ जी मैडम जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ। हाँ आप मेरी बात सुन पा रही हैं? जी जी हम सुन पा रहे हैं संजीव जी। ये कितनी जघन्य घटना है, एक मृत आदमी के शरीर को चूहे काट के खा जाते हैं, और ये हमारे बीजेपी के नेता जो टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं वो ये कह रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। डीपी कौशिक जी, अभी तक जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने कुछ अपने अनुभव भी यहाँ पर साझा किए और उनका यही कहना था कि इस तरह की जो चीज़ है वो तभी हो सकती है जब जो जानवर है वो शुरू लंबे वक्त से इस तरह की चीज़ करता रहा हो। तो चूहे यानी कि अगर इस तरह से डेड बॉडी को कुतर दिया उन्होंने तो इसका मतलब है कि पहले भी जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर इसी तरह की बात होती रही होगी शवों के साथ में। मामला सामने नहीं आया, दब गया। ये मामला इसलिए आ पाया क्योंकि मीडिया तक पहुंचा ये मामला। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या संवेदनहीन हो चुका है अस्पताल प्रबंधन और विजिट यहां पर ना के बराबर रह गई है? प्रशासन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका इल्म तक नहीं है जनप्रतिनिधियों को? देखिए कहना, देखिए ये सब चीजें प्रशासनिक नजर में होनी चाहिए। डॉक्टर को पता होता है कि बॉडी अगर वहाँ पे रखी है तो उसके हिसाब से कोई भी जानवर आसपास में हो सकते हैं। जैसे वो मेरे हमारे दूसरे साथी बता रहे थे कि हैबिट हो जाती है जानवर को ना, हैबिट हो जाने के बाद वो इस तरह की हरकतें कर देता है। तो मेरा मानना है कि प्रशासन को ही उसको देखना पड़ेगा आगे इस तरह की घटनाएं ना घटे। और कोई जैसे बार बार बोलने भी बेहतर, एक चीज मुझे समझ में आ रही है ना, अगर आप किसी की ड्यूटी वहां पर लगा भी देते हैं तो आदमी बैठने से मुझे लगता नहीं, मैं अपना पर अनुभव बता रहा हूँ कि चूहे बार बार या तो पूरी रात वहां बैठा रहे बंदा, ठीक है ना, या फिर वो कैसे इंजाम हो सकता है ये तो प्रशासन को देखना वहां पे कैसे किस तरह इंजाम किया जा सकता है ताकि चूहे दोबारा ना वहां पे जाए या और कोई किसी तरह का इंजाम करना पड़े तो करना चाहिए मेरे ख्याल। नहीं लिपि जी, लेकिन ये बात कह के सिर्फ कि अगर एक आदमी की ड्यूटी लगा दी जाए तो भी यहाँ पर आपको आप कह रहे हैं कि मुश्किल लगता है कि ये घटना होने से रुक जाए। चूहों का कोई इलाज नहीं है क्या? चूहों के सामने हेल्पलेस हो गए हैं क्या? लाचार महसूस कर रहे हैं चूहों के सामने कि चूहों को कैसे रोका जाए या आतंक कैसे खत्म किया जाए? मैंने तो कहा ना, चूहे इलाज करे या किसी को बैठने का कोई तीसरा इलाज हो, मैंने खुद ही कहा करना पड़ेगा। तो यानी मर्ज को बढ़ने दिया गया ना, चूहों की तादाद इस कदर वहां पर बढ़ गई है आसपास पोस्टमार्टम हाउस के, वो इस तरह से मांसाहारी हो गए हैं, डेड बॉडी खा रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन है कि वो चैन की नींद सोया हुआ है। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नरपत राणा अम्बाला से जुड़े हैं, स्वागत है आपका नरपत जी, रखें अपनी बात। चल लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी डीपी जी, देखिए हॉस्पिटल प्रबंधन की ड्यूटी बनती है ये चीज तो है ना, सबको जानना पड़ेगा, उनको पता भी नहीं थी, तो उन्होंने अरेंजमेंट देखना वहाँ पे किस तरह की बॉडी को कैसे क्या रखना होता है और उनको क्या इंतजाम किए जाते हैं, तो लोकल बॉडी जो हॉस्पिटल के उनको देखना होता है, उनको देखना भी चाहिए अगर इससे घटना बार बार। लेकिन अगर अस्पताल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो फिर किसका काम है इसे देखना? नहीं, अगर उसकी कोई चूक सामने आती है तो उस चूक के लिए उसे टोकना, उसे रोकना किसका काम है? ये उन्हीं का काम है, हॉस्पिटल प्रबंधन का ही काम है, लेकिन ये चीजें तो वही करेंगे ना, इसीलिए सरकार ने, अब आप कहेंगे तो सरकार को ये कि जिसने गलती की उसको नहीं, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, मतलब इस तरह की घटना के लिए सिर्फ अस्पताल प्रबंधन पर ही छोड़ दिया जाएगा, भाई आप ही यहाँ पर जज हो जाइए और आप ही यहाँ पर मुजरिम है, खुद अपना फैसला आप कर लीजिए। नहीं 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 सरकार, मैं ये कह रहा हूँ की सरकार करेगी, जिसने गलती की है या जिसकी नेग्लिजेंसी में ऐसा काम हुआ है उसको ट्रीटमेंट भी करेगी, लेकिन पहले प्रशासन को वहां पर देखना है, प्रशासन डिसाइड करेगा किसका उस प्रबंधन के अंदर ये आता है, किसने क्या करना चाहिए वहां पे, उसके बाद सरकार का काम। अशोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगी आप कैसे देखते हैं, किस तरह से इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, और जैसा मैंने पहले आपसे सवाल किया था कि जवाबदेही और जिम्मेदारी किस स्तर पर किसकी क्या होनी चाहिए और क्या तय होनी चाहिए? देखिए हॉस्पिटल के अंदर इतना स्टाफ होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट डालते हुए होते हैं, तो उस पर्सन की जिम्मेवारी है जो देख रेख करता है हॉस्पिटल, जो पोस्टमार्टम हाउस की जिसके अंदर निगरानी है उसको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। मैंने तो पहले कह दिया ऑफिसर तो कोई जाता ही नहीं है पोस्टमार्टम हाउस में, सारा कुछ फोर्थ क्लास के ऊपर फेंका हुआ है इन्होंने, और जिस किसी घटना होती है किसी बाथरूम में जाकर कोई देखता विजिट करनी चाहिए हॉस्पिटल सभी को। नहीं, ये कितना गंभीर मामला है, अभी तक जिन चूहों का एक्सेस पोस्टमार्टम हाउस तक है उनका एक्सेस कल को अस्पताल के अंदर हो जाए, बच्चों की नर्सरी होती है वहां तक हो जाए,
मरीज होते हैं कई गंभीर हालत में अवस्था में, अगर उन तक ये चूहे पहुंच जाते हैं तो स्थिति किस तरह की हो चुकी है? मध्य प्रदेश के कई अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, हम पढ़ भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं उनके बारे में। हेलो जी, जी अशोक जी, मैं कहता हूँ कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, माँ बच्चे को बाहर लिटा के अंदर जाती है और पीछे कुत्ते खा जाते हैं उस बच्चे को, घटनाएं होती हैं। और यहाँ तो चूहे जो है आराम से यहाँ अंदर कमरा बंद है, जो मर्जी करते रहे, तो उनको इलाज करना। बिल्कुल अशोक जी, आपसे आगे बात करेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रणवीर जुड़े हैं रोहतक से। रणवीर सिंह स्वागत है आपका, रणवीर जी रखिए अपनी बात। मैडम ये बहुत ही दुर्भाग्य घटना है और ये घटना नहीं एक लापरवाही है, और ये हमारे कौशिक साहब हमारे बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन मैं इनके नॉलेज में लेना चाहता हूँ कि सोनीपत के हॉस्पिटल में ही पहले भी ये घटना हो चुकी है, ये एक सरेआम लापरवाही है और इसके खिलाफ कानून प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। कौशिक जी आप क्या कहेंगे, पहले भी अस्पताल की लापरवाहियां सामने आ चुकी हैं प्रबंधन की, कभी साफ सफाई को लेके बात सामने आती है कभी, और अब इस तरह की लापरवाही सामने आ गई है, तो एक्शन क्या लिया गया इससे पहले? अगर एक्शन लिया गया तो अभी तक सुधार क्यों नहीं हो पाया? इसका मतलब है कि एक्शन नाकाफी था और वो जिस स्तर पर लिया जा रहा था उस स्तर पर लिया ही नहीं गया। अगर उच्च स्तर पर संज्ञान में मामला जाए तो ये लापरवाही रोकी जा सकती है, लेकिन इसका रिपीटेशन ये दिखाता है कि संज्ञान लिया ही नहीं जा रहा, इस बात को सीरियस ले ही नहीं रहा कोई भी। कौशिक जी देखिए कहना, अगर ये बात दोबारा रिपीट हुई है तो ऑब्वियसली सरकार इस पर एक्शन लेगी और जिसके भी जो भी पनिशमेंट का प्रावधान है उसको 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 दी जाएगी। गलत है अगर ये बार बार ऐसी चीजें रिपीटेशन में आती हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार के जो हमारे वहाँ पे लोकल बॉडी है हॉस्पिटल के प्रबंधन है उनके सरेआम लापरवाही है। और जैसे मैं उनकी बाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा भी है भी जिसकी भी गलती रही है उसको हम अभी कमेटी बैठी है उसको देख कर उसको इसके हिसाब से। जी आप खुद समझते होंगे इस तरह की बातों का अक्सर क्या मतलब होता है कि कई बार इस तरह की बातें गोलमोल बातें लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए या अपना ही दामन बचाने के लिए की जाती हैं। जांच अगर हो रही है तो सिर्फ अस्पताल प्रबंधन की ही नहीं बल्कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, यहाँ पर कोई दूसरे यहाँ पर विभाग या अधिकारियों की ओर से भी जांच की जानी चाहिए, सरकार खुद संज्ञान ले इस तरह के। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई आग लगने की घटना सामने आती है तब यहाँ पर सरकारें जागती हैं और ऑडिट की बात सामने आती है फायर ऑडिट की, तो ऐसे में सरकार को इस मामले में भी संज्ञान लेना चाहिए और जाँच कराई जानी चाहिए कि किस तरह की व्यवस्थाएं सरकारी अस्पतालों में चल रही हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो सोनीपत का सिविल हॉस्पिटल पहले भी सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा में रहा है, जहां सिविल हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं रह पाती वहीं अस्पताल में अव्यवस्था और लापरवाही का एक और मामला पोस्टमार्टम हाउस में शव की बेकदरी के रूप में देखने को मिला है, जहां महज कुछ घंटे पहले रखे गए शव को चूहों ने कुतर दिया। हैरानी की बात यह है कि मीडिया के दखल के बाद ही प्रशासन ने जांच कराए जाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी लापरवाही सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही क्यों सामने आती है? सवाल आपका। मैं फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।